हे एवरीवन, दिस इज काजल वंश। वेलकम टू वंश बायोलॉजी क्लासेस। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन टॉपिक हमने पढ़ा, हमारा ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। सो इस वीडियो में हम डील करने वाले कुछ इंटरेस्टिंग, जैसे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारा मेन लंग्स है, लंग्स के साथ कौन कौन सी डिजीजेज हैं जो हमें इफेक्ट कर सकती हैं और जिसके बारे में हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो में हम डील करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी डिजीज है, बीमारी है जो हमारे लंग्स के साथ जुड़ी हुई है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, बॉडी में जब भी कोई ऑर्गन या जब भी कोई पार्ट बॉडी में प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करता हो तो हमारे दिमाग में एक अलार्म आ जाता है कि देर इज समथिंग रॉन्ग विथ माई बॉडी। मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है बॉडी के साथ जो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर रही। ओके, तो जो प्रॉपर इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी है उसको हम बोलते हैं डिसऑर्डर। मतलब जब आपकी बॉडी प्रॉपर तरीके से फंक्शन ना करे तो उस स्टेज को हम बोलते हैं डिसऑर्डर। ठीक है, तो यहां पर मैंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट यहां पर मैंने डिजीजेस लिखी हैं जो हमारे लंग्स के साथ एसोसिएटेड है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। ओके, द वेरी फर्स्ट डिजीज दैट इज एस्थमा। एस्थमा आपको पता है, बहुत जनरली हमने बहुत अपने घर में आसपास भी देखा है, बहुत अब हर एज के लोगों के साथ ये चीज कॉमन है एस्थमा। बट यहां पर क्या है, एस्थमा जो है वो बहुत डेंजरस बीमारी है। ठीक है, तो एस्थमा बेसिकली क्या है, जैसे हमने रेस्पिरेटरी में पढ़ा था कि वो जो लंग्स है, लंग्स के अंदर जो ब्रोंकाई है, ब्रोंकियोल्स है, एस्थमा जो डिजीज है वो ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स को इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है। ठीक है, तो एस्थमा का मतलब ये जो है वो ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स को इफेक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट, मतलब जो एस्थमा है वो एक क्रॉनिक डिजीज है। क्रॉनिक का मतलब जो बीमारी होती है वो दो तरह की होती है, एक अक्यूट और एक होता है क्रॉनिक। आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में भी, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल के साथ आपने ये चीजें पढ़ी होंगी कि अक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज होता है। अक्यूट मतलब जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, जैसे नॉर्मल सर्दी जुकाम जो होती है वो शॉर्ट टाइम के लिए, हाफली मतलब नियरली वो 5 डेज 6 टू डेज में खत्म हो जाती है। बट क्रॉनिक का मतलब होता है जो लॉन्ग टर्म डिजीज हो, राइट, जो लॉन्ग टर्म डिजीज उसको बोलते हैं क्रॉनिक डिजीजेस। तो एस्थमा उनमें से एक क्रॉनिक डिजीज है। नंबर टू, इसको तो सब पहचानते होंगे, इट्स वेरी डेंजरस राइट नाउ, COVID-19। हाँ जी, हम सब जानते हैं COVID-19 क्या है, और आप और हम अभी पूरा देश इससे लड़ रहा है राइट नाउ, एंड द होल वर्ल्ड इज फाइटिंग विद दिस पैंडेमिक डिजीज दैट इज नोवल कोरोना वायरस। जो COVID-19 है दैट इज कॉज्ड बाय कोरोना वायरस, राइट। हियर बेसिकली क्या है, COVID-19 जो सिम्टम्स शो करता है वो रेस्पिरेशन, मतलब रेस्पिरेशन में कुछ सांस लेने की तकलीफें होती हैं, कुछ सिम्टम्स हैं रेस्पिरेटरी से रिलेटेड इसके, लाइक छींक आना, स्नीजिंग, कफिंग, खांसना, जुकाम, फीवर, ये सारी इसके सिम्टम्स हैं COVID-19 बीमारी की, विच इज कॉज्ड बाय अ वायरस दैट इज नोन एज कोरोना वायरस, जो कि एक सार्स नाम का वायरस टाइप है इसका। सो हियर आई विल राइट इट, सार्स नाम के वायरस से ये एक्चुअली होता है। ओके, थर्ड इज एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा एक ऐसी बीमारी है जो लोग ज्यादा सिगरेट स्मोक करते हैं, जिन्हें बीड़ी, तंबाकू इन सब चीजों की खाने की आदत होती है, उनमें ये एम्फाइसेमा डिजीज जो है वो पॉसिबली है। नेक्स्ट है हमारा लंग कैंसर, बहुत खतरनाक लंग कैंसर। कैंसर सुनते ही दिमाग में आता है, ओ भाई साहब इट्स वेरी डेंजरस। ठीक है, तो लंग कैंसर का मतलब बेसिकली यहां पर क्या है, कैंसर तब होता है जब कुछ इरेग्युलर सेल्स आपस में डिवाइड होते जाते हैं, मल्टीप्लाई करते जाते हैं और कुछ एबनॉर्मल सेल्स बनाता है, दैट इज नोन एज ट्यूमर। तो लंग कैंसर कब होगा, कैंसर में जनरली क्या होता है, जो इरेग्युलर सेल्स होते हैं वो आपस में बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई करते जाता है और फाइनली एक अबनॉर्मल सेल बना देते हैं, दैट इज नोन एज ट्यूमर। तो लंग कैंसर में ये चीजें जो है, वो जो ट्यूमर क्रिएट होता है दैट इज डन इन इनसाइड द लंग्स, जिसकी वजह से ये डिजीज कॉज होती है। ओके, नेक्स्ट, ट्यूबरक्लोसिस। हमने बहुत सुना है, टीवी में बहुत एड्स आते हैं, टीबी की बीमारी हम सुनते हैं। तो बेसिकली ट्यूबरक्लोसिस क्या है, पहली चीज, जो टीबी की बीमारी है वो हमेशा एयर के थ्रू, जो हवा है, जो वायु है, उसके थ्रू वो स्प्रेड होती है, मतलब हवा से वो स्प्रेड होता है। सेकेंड चीज, ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया के थ्रू स्प्रेड होती है, दैट बैक्टीरिया इज नोन एज माइकोबैक्टीरियम
ट्यूबरक्लोसिस जो हमारे लंग्स को इफेक्ट करता है। और टीबी में जो सिम्टम्स आती हैं, जो लक्षण आते हैं, आपको दिखता होगा, हम हमेशा बोलते हैं टीबी की बीमारी में सामने से जो इंसान छींक रहा हो या खांस रहा हो उसके एयर ड्रॉपलेट्स जो है वो मुंह से रिलीज होते हैं। तो अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन में अगर वो स्पिट्स या जो स्पॉट्स हैं अगर वो जाते हैं, वाटर स्पॉट्स जो है वो जाते हैं, तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, टीबी जिसको है उससे ना। अगर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डिजीजेस जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग में लगेगा एंड यू शुड नो एंड यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट ऑल्सो। नेक्स्ट इज निमोनिया। निमोनिया हम सबके आसपास जनरली छोटे बच्चों में एंड ऑलमोस्ट हर एज के लोगों के साथ होता है, बट इट इज ऑल्सो वेरी खतरनाक, मतलब डेंजरस है। तो यह बेसिकली क्या है, जो निमोनिया है वो लंग्स को इफेक्ट करता है। जैसे मैंने आपको जस्ट बताया, ये सारी डिजीजेस जो है वो लंग्स को इफेक्ट करने वाली डिजीज है। नेक्स्ट, जो निमोनिया होता है वो हमेशा किसी वायरस की वजह से होगा या किसी बैक्टीरिया के कारण होगा या किसी तरह के फंगल, सॉरी आई रिटन हियर वायरस अगेन, आई राइट इट हियर, ये किसी फंगल की वजह से भी हो सकता है। ओके, नाउ निमोनिया में होता क्या है। निमोनिया में बेसिकली क्या है, जैसे आपको पता है कि जो हमारे लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई प्रेजेंट होता है, जैसे मैं आपको यहां पर दिखाती हूं, मान लीजिए कि हमारा एल्वियोलाई है, ये एल्वियोलाई है हमारा, जो मैंने बताया था आपको, जो बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है लंग्स के अंदर जिसके अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं, तो ये वही एल्वियोलाई है। एल्वियोलाई के अंदर जब किसी तरह का पस भरने लग जाता है या उसमें लिक्विड मतलब फ्लूइड जब जमा होने लग जाती है, तो इसका मतलब निमोनिया वो कॉज कर रहा है। मतलब यहां पर इसके अंदर कुछ फ्लूइड भरना स्टार्ट हो जाएगा, कुछ फ्लूइड मतलब फ्लूइड और पस, मतलब जब एल्वियोलाई के अंदर बलून लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर जब पस भरना शुरू हो जाए या जब उसमें फ्लूइड भरना स्टार्ट हो जाए, मतलब हमें सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है, तो इसका मतलब क्या है, यहां निमोनिया इस बीमारी इस जो लक्षण है इनके, दैट लीड्स टू अ डिजीज दैट इज निमोनिया। सो बेसिकली द मेन मोटो ऑफ शेयरिंग यू द रेस्पिरेटरी डिजीजेज इज सो दैट यू कैन बी अवेयर कि आपके आसपास अगर किसी को भी कुछ भी ऐसा सिम्टम्स होते हैं, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कौन सी बीमारी है, वॉट आर द सिम्टम्स, आई नो अबाउट इट, राइट। तो आपको ये चीज दिमाग में होना चाहिए। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो रिलेटेड, यू कैन पुट इन द कमेंट बॉक्स, विल श्योरली रिप्लाई यू बैक। नाउ एक चीज इससे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगी कि इस कोरोना वायरस के पूरे पैंडेमिक डिजीज जो हमारे पूरे वर्ल्ड में अभी राइट नाउ वी आर फाइटिंग विद ऑल दीज, कि आप एक कभी भी हमेशा सफाई का ध्यान रखें। क्लीनिनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे आसपास सफाई रखना बहुत ज्यादा जरूरत है, और जो हमारे निडी लोग हैं, जिनको जरूरतमंद लोग जो हैं, उनके साथ हमेशा अच्छे तरह से व्यवहार करें, और हो सके तो आप हेल्प जरूर करें उनकी। थैंक यू सो मच, वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। टिल देन टेक केयर।